हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज हम एक स्पेशल पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो करंटली पोस्ट आ रही है उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो एनएचएम की पोस्ट होती है, नेशनल हेल्थ मिशन से कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट होती है, बट उसमें बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्ट शो करते हैं कि एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट की तो मिले। तो उन स्टूडेंट्सों के लिए मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बोले तो सीएचओ के लिए जो अलग अलग स्टेट से पोस्ट आ रही है उनके लिए क्या कैरिकुलम है, क्या सिलेबस है, किस लेवल की उनको पढ़ाई करनी है। जैसे मान लो आप सीएचओ के लिए तैयार कर रहे हो और आप इधर से मौसमी उठा के बैठ गए, हो सकता है आपको कोई फायदा ही ना हो। तो ये जरूरी है कि एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह ये चीज क्लियर कट होनी चाहिए कि क्या पूछा जा सकता है, क्या अब तक पूछा गया है। ये चीज आप भी कर सकते हो, प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हो, ठीक है, हम भी कर सकते हैं बीइंग ए टीचर। तो मैं ध्यान से समझाने जा रहा हूं आपको, बात कर रहा हूं किसकी, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। तो ध्यान से समझेंगे, पहले बात कर रहे हैं हम सिलेबस की। सिलेबस में भी स्पेशली किसकी, नर्सिंग साइंस की, नर्सिंग के कौन कौन से सब्जेक्ट मेनली पूछे जाते हैं, ठीक है। और हमने क्या है कि अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सीएचओ के, इनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर लिया कि पेपर पैटर्न के हिसाब से। एक में हमने रखा है एमपीसीएचओ, ठीक है, मध्य प्रदेश सीएचओ, ठीक है, एमपीसीएचओ, फिर यूपीसीएचओ, राजस्थान सीएचओ एंड हरियाणा सीएचओ को एक ग्रुप में रखा है और दूसरे ग्रुप में दूसरे रखे। तो हम एमपीसीएचओ, राजस्थान सीएचओ, इनके बारे में बात कर रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट का अप्रोक्स वेटेज कितना है, किसके भी आप पे ये देख रहे हैं, प्रीवियस पेपर्स के भी आप पे, कि अकेली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आपके करीब 50-60% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 50-60% अकेली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, ठीक है। दूसरी बात, ये वैसे ये है ही कम्युनिटी का ही, समझ रहे हो, नाम देख लो तो इतना देखने को मिल सकता। दूसरा ओबीजी की बात करें तो ओबीजी से इसमें जो एंटीनेटल केयर मेनली उससे आपके 10% के समथिंग क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं ओबीजी से, पीडिया से 10% के समथिंग क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और फंडामेंटल से भी, जो जनरल नर्सिंग से भी आपको 10% के समथिंग क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एमएसएन टोटल से 10% के समथिंग, मतलब मान लो 100 का मान के चले तो 50 ये और 10 10 10 ऐसे करके ये देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। मतलब मेन वेटेज किसका रहने वाला है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। फिर कुछ वैसे सीएचओ जो उत्तराखंड सीएचओ या पंजाब सीएचओ वाली बात करें तो इसमें थोड़ा सा चेंज की आपको जरूरत है। इन्होंने जो अब तक पेपर लिए वो एक क्वालिटी का पेपर लिया, ऐसे लगे जैसे स्टाफ नर्सिंग का आप पेपर दे रहे हो, और इसमें सभी सब्जेक्ट से अप्रोक्सीमेटली 20% क्वेश्चन पूछे गए, मतलब इन सबसे 20-20-20 करके एक ही सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज इन्होंने नहीं दिया अब तक के हिसाब से, मैं बता रहा हूं। अब बोले कि क्या इसमें केवल यही चीज आ रही है या यही कि कम्युनिटी आएगी या नर्सिंग के आएंगे या और भी आएंगे, तो कुछ एग्जाम्स में नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी इंक्लूड किया गया है, जैसे कि मैथ, जीके और रीजनिंग, कई में 10 तो कई में 15% भी ये इंक्लूड किया गया है। तो ये भी आप एक रनिंग नॉर्मल 10-12 की लेवल की आप पढ़ सकते हो। ये तो हुआ किसके बारे में, सिलेबस के बारे में आपके, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, और ध्यान से समझिए, एग्जामिनेशन स्कीम इसकी कैसे रहने वाली है, ठीक है। तो सभी की एक साथ बात करें, मोस्टली 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 घंटे में, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कुछ में तो होती ही नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं, और किसी में होती है तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग से ज्यादा नहीं है, मोस्ट ऑफ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बाकी रिक्रूटमेंट आए तब आपको पढ़ना है, मेरे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। दूसरी बात, लेवल ऑफ क्वेश्चन की, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि हम सॉन्डर्स पढ़े, मौसमी पढ़े, गाइड पढ़े, ना पढ़े, है ना, यूट्यूब से पढ़े, क्या करें, मतलब एक्चुअल में देखा जा रहा है, ठीक है। तो कंटेंट लेवल का एग्जाम है, कंटेंट लेवल का मतलब है रटा और लिख दिया, रटा और लिख दिया, रटा और लिख दिया, ऐसे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना, मतलब आपके नोट से आएंगे, सीधी सीधी बात होता है, रटा और लिख। आप इसके अंदर नेक्स्ट कि स्टडी मटेरियल में क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या, कौन सी गाइड पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए,
तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप मानो या नहीं मानो वो आपके ऊपर है ना। किसी के फायदे और नुकसान के लिए टीएसएल और मैं जिम्मेदार इसके लिए नहीं होंगे, है ना। जो स्टडी मटेरियल हम बता रहे हैं उसके हिसाब से, थ्योरी आपको कम से भी कम जो इसका सिलेबस है उसके हिसाब से चले तो 200 से 250 घंटे आपको पढ़ना होगा। टोटल नर्सिंग ऑफिसर के लिए 800 से 1000 घंटे पढ़ना होता है। इसके लिए 200 से 250 घंटे की आपको क्लास लेनी होगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक, इतने में सिलेबस हो जाए। क्वेश्चन के लिए क्या करना चाहिए आपको, ओल्ड सीएचओ के पेपर्स निकालने चाहिए कि जो भी आपके आ चुके उससे बहुत क्वेश्चन आपके मिलने वाले, ठीक है। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट भी आपको देने चाहिए। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि जैसे आपको पता है 200 250 घंटे में कुछ टॉपिक रह सकते हैं हमारे, तो मॉक टेस्ट से वो आपके आ जाएंगे और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस चीज। तो मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए, कम से कम 10 टेस्ट तो आप दीजिए। जो भी आपके को ठीक सीरीज प्रोवाइड करने वाला हो, टफ सीरीज से डरना नहीं है ना, वो उससे दे सकते हैं, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट कम से कम देना। गाइड की बात करें कि गाइड कौन सी पढ़े, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि नॉर्थ सेट की पढ़ेंगे तो उसमें उतना सिलेबस ज्यादा है, तो कौन सी गाइड पढ़े इसके लिए। तो मैं पहले यहाँ पे एक गाइड है हमारे नॉन है मिशन सीएचओ करके, एमएल सैनी सर ने एक गाइड लिखी है 2.0, इसको रिकमेंड कर रहा हूं। मिशन सीएचओ 2.0 ध्यान से समझना, काफी मेहनत की है सर ने इसमें, और सर की काफी थर्ड या फोर्थ रैंक आई थी जिपमर पांडिचेरी में भी। तो एमएल सैनी सर ने इसमें काफी मेहनत की है, मैं पर्सनली भी उनका कंटेंट देखा, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पे आपको पता है कि हम खुद लिखवाते हैं हर चीज को, तो बुक पे जनरली बात जाती नहीं है, बट ये वीडियो सभी के लिए, ठीक है। तो यदि आपको गाइड लेनी है तो आप ये गाइड परचेज कर सकते हो। मुझे ये भी पता नहीं है कितने रुपए की आ रही है, मुझे ये भी पता नहीं कि इसका क्या बोलते हैं कोई डिस्काउंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या रेट है। अभी सेकंड एडिशन इसका आ चुका है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कर दूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर दे दूंगा कि आप वहां से सीधा क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। ये क्लियर कट कर रहा हूं, मेरी कोई इस बुक से एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, एक नया आना मैं इससे कमाने वाला नहीं हूं, बट ये अच्छी चीज इसमें इंक्लूड की है सीएचओ के लिए, बेस्ट मुझे ये लगी, क्योंकि कंटेंट के हिसाब से चल रही है ये बुक, है ना, सिलेबस के हिसाब से। इस वजह इसमें नॉन टेक्निकल का भी आप ले सकते हो साथ साथ, और भी यदि थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है तो आप पी आर यादव जी की फोर्थ एडिशन बुक पढ़ सकते हो, सबका एक ही तोड़ है लास्ट में, नहीं क्या। तो ज्यादा इसको प्रायोरिटी इसलिए दिया है क्योंकि ये सिलेबस के हिसाब से ही कंप्लीट लिखी हुई है, बाकी नर्सिंग ऑफिसर की बुक तो आपको खूब मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे तो आप वहां से इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके घर पे ही अमेजोन से डिलीवर भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मैं इसमें तो सैनी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बच्चों की नीड को समझी और ये चीज की। यदि किसी को अब लगता है कि टीएसएल क्या कर सकता है, इसमें बुक की भी बात होगी, गाइड की बात होगी कि टीएसएल क्या कर सकता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, तो ध्यान से समझना, विज्ञापन पे नहीं जाए, ध्यान से समझे कि हम टीएसएल की तरफ से क्या कर सकते हैं। जो क्लासेस दे रहे हो तो दे ही रहे हैं, फ्री में कुछ टेस्ट सीरीज करा देंगे भाई, या तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। हम क्या करने वाले हैं पेड में वो सुन लो, ठीक है, क्या कि अप्रोक्सीमेटली 250 घंटे की हम क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं, वीडियो लेक्चर्स। फर्स्ट बैच में तो ये लाइव है, उसके बाद ये रिकॉर्डेड रहेंगे, सेम ही हम रिकॉर्डेड ही आगे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कितने, 250 घंटे की तो हम आपको क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं इसके लिए। और ये सारी की सारी क्लासेज लाइव, जैसे फर्स्ट बैच में, उसके बाद रिकॉर्डेड तो रहेगी, 1 ईयर तक वैलिडिटी के साथ, तो 1 ईयर तक आप इसमें से दे सकते हो। 3 ओल्ड पेपर हमने इसमें इंक्लूड किए जो सीएचओ क्या है प्रैक्टिस के लिए, कि आप उसमें प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट हमने इसमें इंक्लूड किए, 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूड किए, और हमने डाउट क्लियरिंग सेशन भी इंक्लूड किया है। ये डाउट क्लियरिंग तब बोल रहा हूं जब ये बैच पूरी तरीके से रिकॉर्डेड ही चलेगा, तो वहां पे समझ रहे हो बात, अभी कोई डाउट क्लियरिंग यहाँ पे नहीं है क्योंकि क्लास लाइव चल रही है, ठीक है। यदि बाद में कभी इसको रीओपन करते हैं तो डाउट क्लियरिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी उधर से, ठीक है। डाउनलोडेबल वीडियो फॉर ऑफलाइन एसेस, अब ये क्या है कि दूर दराज के लोग इसको पढ़ते हैं तो वहां पे मान लो इंटरनेट नहीं है, तो आप जैसे रेलवे स्टेशन पे जाके या जहां पे भी आपको इंटरनेट मिले वहां जाके आप इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। सारे के सारे वीडियो आपके डाउनलोड हो जाएंगे मोबाइल एप्लीकेशन में, वहां से आप उसको स्पीड ज्यादा करके कम करके कैसे भी देख सकते हो।
कितने रुपए में अवेलेबल है ये भी हम बात करेंगे। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टीएसएल मोबाइल एप्लीकेशन का भी, वहां से आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, स्टोर में जाके सीएचओ करके कोर्स मिले। कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई है वो मैं बता देता हूँ। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए नया बैच है, 5 अगस्त से शुरू है, 3 से 7:30 बजे तक इसका टाइमिंग है, अभी फर्स्ट बैच लाइव ही है, ड्यूरेशन मैक्सिमम 3 मंथ की, और फीस तो आप खुद ही देख लो कि ओनली 2000 रुपए ही फीस है। ठीक है, तो आपके दोस्तों को बताइए, शुरुआत के 100 स्टूडेंटों को हम 2000 में ये चीज देंगे। ठीक है, तो सीएचओ की आपको कोई परेशानी या दिक्कत इससे नहीं होगी, और सारी चीजें मैंने आपको बता दी है थोड़ी थोड़ी करके, किसी पे भी आप जा सकते हो। ठीक है, किसी पे भी आप इसमें जा सकते हो। तो ये आपके नॉर्मली बात की जाए तो सीएचओ के एग्जाम के रिगार्डिंग था, समझ रहे हो बात को। मान लो किसी को नर्सिंग ऑफिसर से डर लगता है तो पहले इसको निकाले, ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करनी तो ज्वाइन ना करें, बट एक बार आप एग्जाम तो देके देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मत करना ज्वाइन। जिसको लगता है करना चाहिए वो कर भी सकते हैं, जो आपकी मर्जी है आपके। मैं तो ये कहूंगा कि परमानेंट की तरफ ज्यादा जाए तो ज्यादा फायदे, ये तो आपको भी पता है कि परमानेंट के ज्यादा फायदे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, है ना। ठीक है, तो एक दृढ़ निश्चय के साथ चलिए कि जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है कि छोड़ देता लेकिन जीत मेरी जिद है और जिद का मैं बादशाह, तो मतलब आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। टीएसएल से जितना होगा उतना आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, पेड में भी और फ्री में भी हम इसके लिए और भी क्लासेस करेंगे, कुछ पेपर में यूट्यूब पे भी आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और कोई क्वायरी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, यही नहीं बहुत सारे और वीडियोज भी नर्सिंग ऑफिसर के भी, करीब 100 घंटे के वीडियोज भी आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।